हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस तरह का सीबी एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो गाइस, आपको भी इस तरह का सीबी एडिटिंग सीखना है तो वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले आपका ओरिजिनल फोटो को ओपन करना होगा पिक्सार्ट ऐप के अंदर। गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले ही आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। आपको आर्टिस्टिक पे क्लिक कर देना है। आर्टिस्टिक पे जैसे ही क्लिक करोगे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आपको लास्ट पे जाना होगा, ठीक है। और लास्ट से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा थर्ड नंबर वाला, फैटल वन, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे ही टैप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे देख सकते हो फेड का ऑप्शन है, ठीक है। फेड को एकदम माइनस कर देना होगा जीरो, और ऊपर आपको इरेजर का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, उससे पहले आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको इरेजर पे क्लिक करना होगा और फेस के ऊपर जो इफेक्ट आया है ये वाला इफेक्ट को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इरेज कर लेना होगा। तो गाइज, कुछ स्टेप से इरेज करने के बाद आपको यहाँ से राइट कर देना है, ठीक है। आपको फिर से इफेक्ट्स पे ही क्लिक करना होगा और आर्टिस्टिक पे ही क्लिक करके आपको लास्ट पे जाना होगा और यहाँ से आपको फैटल टू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फैटल टू पे क्लिक करने के बाद इसका भी अमाउंट को एकदम आपको माइनस कर देना है और इसको कर देना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फिर से इरेजर पे क्लिक करके आपको क्या करना होगा, फेस के ऊपर जो इफेक्ट आया है ये वाला इफेक्ट को आपको इरेज कर लेना होगा। तो गाइज, इतना करने के बाद आपको डन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से इफेक्ट्स पे ही जाना होगा और बैकग्राउंड पे थोड़ा सा ब्लर ऐड करना होगा। यहाँ पे ब्लर का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट वाला ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और ब्लर का अमाउंट को आप जितना रखना चाहते हो आप रख लेना इतना, और इरेजर पे आपको क्लिक करके आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। गाइज, बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करोगे गाइज, देख सकते हो बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लर हो गया है। तो यहाँ से आपको इरेजर पे क्लिक करना होगा और जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आप मुझे नहीं चाहिए ब्लर, तो इस टाइप से आपको इरेज कर लेना होगा। तो गाइज, कुछ इस टाइप से करने के बाद आप देख सकते हो गाइज, बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दो PNG ऐड करना होगा। तो गाइज, यहाँ पे ये दोनों PNG को ऐड करने के बाद साइड पे आपको ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको बस ब्लेंड पे क्लिक करके आपको करना है स्क्रीन, और ये वाला PNG को भी आपको ब्लेंड पे क्लिक करने करना होगा स्क्रीन, और यहाँ पे एक PNG को लगाना होगा, और यहाँ पे जो टेक्स्ट PNG है आपको कुछ इस टाइप से थोड़ा सा छोटा करके लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है। गाइज, इतना करने के बाद आपको फोटो को डन कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड करना होगा। ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड करना बहुत ही आसान है, आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करके आपको फिर से आर्टिस्टिक पे ही क्लिक करना होगा, और ऑयल पेंट का एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, यहाँ पे क्लिक करके फोटो पे थोड़ा सा ऑयल पेंट ऐड करना होगा, ठीक है। गाइस, वीडियो को एंड तक देखना होगा आपको, अभी सीबी एडिटिंग का कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइस, इसका अमाउंट को आप आपका फोटो का हिसाब से रख लेना, मैं मेरा फोटो का हिसाब से रखा हूँ, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे आपको नहीं चाहिए कुछ इस टाइप से आपको इरेज कर लेना होगा। तो गाइस, कुछ इस टाइप से ऑयल पेंट इफेक्ट ऐड करने के बाद यहाँ से आपको फोटो को सेव करना होगा और फोटो को लेकर जाना होगा Lightroom ऐप के अंदर। तो यहाँ से मैं फोटो को पहले सेव करता हूँ। तो गाइज, Lightroom ऐप के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑल फोटोज पे क्लिक करना होगा। गाइज, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फोटो को पहले एडिट किया था उसको ऐड कर लिया हूँ। तो यहाँ से आपको सबसे पहले लाइट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस कर सकते हो, और शेडोज को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा।
व्हाइट को आप थोड़ा सा इंक्रीज और ब्लैक्स को थोड़ा सा डिक्रीज। गाइस इतना करने के बाद आपको कलर वाला ऑप्शन पे जाना होगा और ऊपर आपको मिक्स टूल मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके ग्रीन कलर को और सैचुरेशन को आपको 100 कर देना होगा। ब्लू कलर का सैचुरेशन को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, ऑरेंज कलर का सैचुरेशन आपको माइनस करना होगा। ठीक है, ये हमारा फेस का कलर होता है और लुमियंस को आपको इंक्रीज करना होगा। गाइस देख सकते हो लुमियंस जितना भी इंक्रीज करोगे फेस उतना ज़्यादा गोरा हो जाएगा, तो इतना करते हैं। ठीक है, तो गाइस इतना करने के बाद आपको फोटो को डन करना है और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेनेड को थोड़ा सा देना होगा साइड साइड पे, और मिड पॉइंट को भी आपको थोड़ा सा देना होगा। डीएच को आप इंक्रीज कर सकते हो, क्लियरिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो, क्लियरिटी को थोड़ा सा, और टेक्सचर को भी आपको थोड़ा सा देना है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको शार्पनिंग को ऐसे इंक्रीज कर देना है। गाइस देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ठीक है, फोटो पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, फोटो को शेयर करना होगा और फोटो को लेकर जाना होगा स्नैपसीड ऐप के अंदर। गाइस फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको डिटेल्स का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाएगा, आपको यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से आपको दोनों ऑप्शन को ही 100 कर देना होगा, 100 कर देना है। ठीक है, डन करना है, ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको व्यू एडिट्स पे करना होगा क्लिक। व्यू एडिट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डिटेल्स का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ब्रास वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और नीचे आपको इनवर्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके फेस के ऊपर जो इफेक्ट आया है ये वाला इफेक्ट को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इरेज कर लेना होगा। तो गाइज कुछ स्टेप से करने के बाद गाइज फोटो का बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो, बहुत ही गजब लग रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ पे फेस को गोरा करता हूँ। ठीक है गाइज, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा डार्क है, तो यहाँ से आपको गोरा करना होगा। गोरा करने के लिए आपको पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सिलेक्टिव पे क्लिक करके यहाँ पे आपको रखना होगा पॉइंटर को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक प्लस वाला ऑप्शन है, यहाँ से कुछ इस टाइप से आपको रखना होगा और फेस को कुछ इस टाइप से गोरा कर सकते हो। तो मैं इतना करता हूँ गाइज। ठीक है, और सैचुरेशन को आपको थोड़ा सा माइनस करना होगा। और गाइस बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलता है गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।